नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त चर्चा है गौतम गंभीर की, चर्चा है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या की चर्चा है नताशा स्टानकोविच, जो उनकी वाइफ है। खबर ये इस तरीके की चल रही है कि क्या हार्दिक पांड्या और नताशा अलग हो गए हैं, क्या हार्दिक पांड्या और नताशा अलग अलग रहने लगे हैं। क्योंकि पिछले कुछ वक्त की अगर मैं हरकतें देखूं, जो संकेत मिल रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप जब फाइनल जीती टीम इंडिया, T20 वर्ल्ड कप जीती, हर खिलाड़ी की पत्नी वहां पर नजर आई, हर किसी ने रिएक्शन दिया, लेकिन नताशा कहीं नज़र नहीं आई। ना ही नताशा का कोई कमेंट आया, ना ही कोई ट्वीट आया टीम इंडिया की जीत के ऊपर। हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस को लेकर कोई ट्वीट नहीं आया, जबकि बाकी खिलाड़ियों की पत्नियां वहां पर मौजूद थी या फिर उन्होंने रिएक्शन अपने अपने दिए। अगर विराट कोहली की पत्नी वहां पर मौजूद नहीं थी तो विराट कोहली की पत्नी ने रिएक्शन दिया अपना टीम इंडिया की जीत को लेकर। विराट कोहली ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत अपनी पत्नी से की थी। तो जाहिर तौर पर हर खिलाड़ी की चर्चा इस वक्त हो रही है, लेकिन नताशा कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही। उसके बाद में जब अंबानी जी की पार्टी में तमाम खिलाड़ी पहुंचे, मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या भी वहां पहुंचे, तो कुणाल पांड्या की पत्नी तो वहां पर मौजूद थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा वहां पर मौजूद नहीं थी। हार्दिक पांड्या अकेले वहां पर नजर आ रहे थे। तो जाहिर तौर पर उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि क्या वास्तव में नताशा से हार्दिक पांड्या अलग हो गए हैं, क्या नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच में डिवोर्स हो चुका है, जिसकी चर्चा हो रही थी पिछले कुछ वक्त से। लगातार चर्चाएं चल रही थी कि हार्दिक और नताशा अलग हो जाएंगे, इस तरीके की चर्चा जो है अब चलने लगी है। लेकिन अब बड़ा अपडेट आया है, बड़ा अपडेट आया है कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टानकोविच आखिर क्यों, उनके बीच क्या चल रहा है, क्या बड़ा अपडेट है, क्यों दोनों अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दरअसल इसको लेकर अपडेट है कि हार्दिक का एक बेटा है अगस्त, जिसका नाम है, और नताशा अभी अपने बेटे अगस्त के पास है, हार्दिक पांड्या से दूर रह रही हैं। ये अभी तक का जो है वो बड़ा अपडेट है। हार्दिक पांड्या और नताशा एक साथ शायद नहीं रह रहे हैं, क्योंकि एक साथ रहते तो शायद वो तमाम पार्टियों में या फिर वर्ल्ड कप की जीत के बाद में एक साथ नज़र आते। दोनों अलग रह रहे हैं। हार्दिक पांड्या अपने बेटे और के साथ रहना चाहते हैं, और वहीं अपनी उनकी पत्नी जो है नताशा भी अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर नताशा की जब तस्वीर आई थी अपने जिम ट्रेनर के साथ, उसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल था। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या नताशा ने हार्दिक पांड्या को धोखा दे दिया है, क्या नताशा जिम ट्रेनर के साथ अफेयर में है। इस तरीके की चर्चाएं उस वक्त चली हुई थी जिस वक्त उनके एक जिम ट्रेनर के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। तो उसके बाद से चर्चा थी कि क्या, और उस वक्त हार्दिक पांड्या थे भी नहीं भारत में, हार्दिक पांड्या बाहर थे। तो उसके बाद से चर्चा थी कि क्या नताशा स्टानकोविच अपने जिम ट्रेनर के साथ अफेयर में है, क्योंकि तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी, आने जाने की तस्वीरें वायरल हुई थी, एक साथ घूमने की तस्वीरें वायरल हुई थी। उसके बाद से चर्चा थी कि नताशा और हार्दिक पांड्या जो है दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी तक का अपडेट ये है कि इन दोनों का डिवोर्स अभी नहीं हुआ है और नताशा अपने बेटे के साथ अभी रह रही हैं। हालांकि अपडेट आने वाले वक्त में क्या है, इसके ये अपडेट मिल रहा है कि शायद दोनों के बीच मनबर है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में भी हार्दिक के साथ नज़र नहीं आई, अंबानी की पार्टी में भी वो हार्दिक के साथ नज़र नहीं आई। जबकि 2022 में आपको याद होगा जब गुजरात टाइटल्स जीती थी, हार्दिक पांड्या कप्तान थे, उस वक्त नताशा मैदान पर नज़र आई थी, उस वक्त नताशा मतलब सेलिब्रेट करने के लिए मैदान पर नज़र आई थी, लेकिन अब नताशा मैदान पर नज़र नहीं आई है। इससे साफ संकेत है कि दोनों के बीच में अनबन जरूर है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।